एक स्वागत है आप लोगों का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को अपना पिक्सल लेवल ओपन कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है प्रोजेक्ट यूज इमेज, और उसके बाद अपना कोई भी बैकग्राउंड ले लेना है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल के लिए। मैं ये वाला ले लेता हूँ, आप कोई भी क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट को आपको डिलीट कर देना है यहाँ से इसको ऐसे। उसके बाद आप लोगों को प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को सॉफ्ट स्टीव का पीएनजी ले लेना है, मैं ये वाला ले रहा हूँ। आप क्रोम से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला बहुत ही फेमस है। इसमें मैं इसको कुछ इस तरीके से फिट कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा एकदम बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग को ये जो गोल वाला ऑप्शन दिख रहा है उसमें जाना है। उसके बाद नीचे करते करते इरेज कलर में जाना है, इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद आप स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद आप लोग को इसमें थोड़ा सा 8 या 7 या 6 में रखना है, मैं यहाँ पे 7 में रख देता हूँ। तो मैंने इसको 7 में रख दिया। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर से यूज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना है। आपको माइनक्राफ्ट का भी पीएनजी लोगो इसमें डाउनलोड कर देना है, अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम से ही डाउनलोड हो जाएगा। गैस इसको आप क्रॉप करके आप इसमें फिट कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया थोड़ा सा माइनक्राफ्ट वाला लोगो, मैं इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग को टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को इस टेक्स्ट को बीच में डालना है। उसके बाद आप लोग को ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है मैं सर्वाइवल सीरीज #1 part 1 कुछ भी लिख देना है। गाइस आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माय सर्वाइवल सीरीज पार्ट 1 इतना लिख देता हूँ गाइस यहाँ पे। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं फिट कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग को चले जाना है फॉन्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पे कर देता हूँ मैं रिसेंट चंक 5 में इसी को यूज़ करता हूँ गाइस। उसके बाद मैं इसको फिट कर देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मैं चला जाता हूँ कलर वाले सेक्शन में। उसके बाद मैं यहाँ से येलो कर लेता हूँ। और अगर आप लोग को अलग अलग कलर करना है तो सीरीज को मतलब एक फ्रेम पैक कीजिए। उसके बाद सीरीज को मैं रेड कर देता हूँ। के बाद में part 1 को ब्लू कर देता हूँ गाइस। बाद मैंने इसको डन कर दिया। उसके बाद मैंने इसको भी डन कर दिया। उसके बाद आप लोग को चले जाना है शेडो वाले ऑप्शन पे, इसको इनेबल कर देना है। और ये येलो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। हमेशा आपको शेडो वाले ऑप्शन पे आपको ब्लैक रखना है, इसमें अच्छा दिखता है शेडो। उसके बाद इसको भी डन कर देते हैं। इसको डन करने के बाद आप लोग को चले जाना है स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे। स्ट्रोक किधर है, ये रहा स्ट्रोक, इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद आप लोग को डन कर देना है, यहाँ पे थोड़ा सा फिट करके इसको डन कर देना है। उसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना गाइस, आप लोग अपना कुछ भी स्टिकर इधर उधर लगा सकते। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग को अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।